रेडी स्टार्ट। भारत जैसे विकासशील देश जहां जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर आती है में परियोजनाओं को इस प्रकार बनाया जाए कि वह पर्यावरण का भी क्षरण न करे एक बहुत बड़ा कार्य है। विराम। भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या है। विराम। गरीबी तथा बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए तथा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह अति आवश्यक है कि भारत में नए नए विकास कार्य हों, आधारभूत संरचना का निर्माण हो तथा मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो। विराम। पिछले कुछ दशकों में यह देखने में आया है कि मनुष्य के द्वारा किए गए बेतरतीब विकास ने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। विराम। बहुत से क्षेत्रों में पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो चुका है जो कि अब भी जारी है। विराम। नई औद्योगिक इकाइयों ने हमारी नदियों के जल को प्रदूषित कर दिया है। विराम। कारखानों ने वायु प्रदूषण अधिकाधिक किया है तथा कुछ उद्योगों ने मिट्टी को प्रदूषित किया है जिससे मिट्टी फसल उगाने योग्य भी नहीं रही। विराम। इस प्रकार के अनियोजित विकास ने भारत में जितना विकास किया उससे कहीं अधिक विनाश। विराम। अब तक के अनुभव से यह बात तो पूर्णतः स्पष्ट हो गई कि वर्तमान समय में यदि भारत को विकास की गति अधिक चाहिए तो साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। विराम। पैरा। भारत तथा अन्य विकासशील देश इस दोहरी मार को झेल रहे हैं। विराम। पर्यावरण तथा मौसम में परिवर्तन सबसे अधिक गरीब देशों का अहित करते हैं और वहीं ऐसे देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को अपने विकास की कीमत कम करने को बाध्य हैं। विराम। मौसम के परिवर्तन के प्रभाव भारत में फसल के उत्पादन पर पड़े हैं। वर्षा ऋतु के समय चक्र में परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। विराम। यदि भारत में विकास इसी तरह चलता रहा तो बहुत ही कम समय में यह धरती न किसी उत्पादन के योग्य रह जाएगी, न सांस लेने योग्य हवा मिल पाएगी और न ही जल मिलेगा जिससे जीवन फलता फूलता है। विराम। यह प्रभाव वर्तमान के साथ साथ देश का भविष्य भी खतरे में डाल देंगी। विराम। पैरा। इन परियोजनाओं के विरोध की सारी वजहें इनके पर्यावरणीय एवं मानवीय दुष्प्रभावों की आशंका में निहित है। विराम। परंतु सरकार एवं अन्य विकासवादी संस्थाएं पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों की इस कीमत को विकास के प्रतिदान के सापेक्ष नगण्य मानते हुए वैसी परियोजनाओं को समर्थन करती हैं। विराम। ये विरोधाभास समन्वित विकास के मानदंडों पर एक सार्थक बहस की आवश्यकता सिद्ध करते हैं। विराम। पर्यावरण एवं विकास के उपयुक्त द्वंद्व को सुलझाने की प्रक्रिया और परिकलित वास्तविक समाधान ये दोनों मिलकर ही यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि भारत में जो समन्वित विकास का सिद्धांत प्रचलित है वह क्रियान्वयन के योग्य है अथवा नहीं। विराम। पैरा। न
सिर्फ भारत में अपितु पूरे विश्व में आजकल समन्वित विकास एक ऐप अति प्रचलित पद है जिसका सीधे कोई स्पष्ट अर्थ निकाल पाना असंभव है। विराम। विश्व बैंक से लेकर यूनिसेफ तक समस्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं लगभग सभी देशों में इसकी बात हो रही है। विराम। परंतु वास्तव में इस समन्वित विकास का अर्थ क्या है? पैरा। समन्वित विकास से अभिप्राय उस विकास से है जो वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी करता ही है, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के प्रति भी पूर्ण जवाबदेही रखता है। विराम। यह परिभाषा पर्यावरण एवं विकास की विश्व समिति ने अपनी 1987 की अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट में दी है और यह लगभग पूरे विश्व में स्वीकृत है। विराम। अर्थशास्त्री इसकी परिभाषा इस प्रकार से करते हैं कि यह एक ऐसा आर्थिक विकास है जिसमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों जैसे जंगल की गुणवत्ता एवं मात्रा और जैव रासायनिक भू प्रक्रिया की एकात्मकता जैसे मौसम बरकरार रहती है और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अभाव या समस्या नहीं पैदा होती है। विराम। पैरा। इसके सदुपयोगों या दुरुपयोगों की बात छोड़ दें तो समन्वित विकास का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी वर्तमान वस्तु का अनिश्चित काल तक सुरक्षित रहना। विराम। परंतु जब सरकार या कोई औद्योगिक इकाई कोयला खदान से कोयला निकालती है, तेल के कुएं से तेल निकालती है या खेती करती है और इन सब क्रियाओं के साथ समन्वित या समुचित क्रिया विशेष का प्रयोग करती है, तब समन्वित विकास के भावार्थ में कहीं न कहीं खटका अवश्य लगता है। विराम। समन्वित विकास या समन्वित विनाश का यह द्वंद नया नहीं है, यह समस्या हमारे लिए लगभग एक सदी पुरानी हो गई है। विराम। परंतु हाल तक इसे संरक्षणवादी रवैये से नहीं जोड़ा गया था। विराम। आज मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि के साथ समन्वित विकास का मानदंड लागू किया जाता है। विराम।